धर्मपुरी डूब प्रभावित संघर्ष समिति ने तहसील परिसर में फिर धरना दिया। बता दें कि दिनांक 16-17 सितंबर को नर्मदा सहित खुज नदी के बढ़े जल स्तर से अनेकों मकान डूब गए। कई दुकानों का सामान पानी में खराब हो गया, जिससे धर्मपुरी नगरवासियों का बड़ा नुकसान हुआ था। प्रशासन से नाराज डूब प्रभावितों ने 18 सितंबर को बाईपास चौराहे पर चक्का जाम किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया। इसके बाद भी राहत नहीं मिलने से नाराज लोगों ने डूब प्रभावित संघर्ष समिति के साथ स्थानीय तहसील परिसर में 29 सितंबर को धरना दिया था और एनवीडीए विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए विभाग के आला अधिकारियों को 3 दिन में प्रभावितों के बीच बुलाने की मांग की थी। वहीं संघर्ष समिति ने 3 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर फिर धरना देने की बात कही थी। दोपहर को बड़ी संख्या में डूब प्रभावित तहसील परिसर में पहुंचे और धरने पर बैठकर प्रशासन को दोगला बताते हुए प्रदर्शन किया। वहीं डूब प्रभावित संघर्ष समिति ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, ठीक नहीं है। अधिकारी खुद जनता को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। डॉक्टर साहब आ गए, पेट की बात कर रहा था। हीरा चंद्र सेठी आज के डूब प्रभावितों के साथ मेरे हमदर्द बनकर ये मेरे जेल के देसी इसका जो बार बार डूब प्रभावितों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी जो नर्मदा के डूब में जो लोग प्रभावित हुए हैं, वो एक्चुअल में नर्मदा नदी से नहीं डूबे हैं। ये प्रशासन की लापरवाही से, प्रशासन का अत्याचार था जनता के प्रति, उसके कारण डूबे हैं। बिना सूचना के, बिना जानकारी के जो पानी छोड़ा गया और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया, ये इस प्रकार का कार्य था जो अनैतिक था और फौजदारी मुकदमा होना चाहिए। हमने शुक्रवार को यहाँ आंदोलन किया, सभा की, एसडीएम को, एडिशनल कलेक्टर को बताया कि हम सोमवार को यहाँ आएंगे, यहाँ पर प्रदर्शन होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। ये सब बातें चेतावनी पूर्वक बता दी गई थी। उसके बाद भी एक भी अधिकारी यहाँ पर जनता की सुनने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा, यानी जनता के प्रति सरकार की लापरवाही या जनता को कुछ नहीं समझने की कोशिश एक प्रकार की है। ये शासन प्रशासन शायद ऐसा चाहता है कि जो जनता शांतिपूर्वक है, ये कुछ उग्र काम करे, कुछ उग्रता करे, कुछ संविधान के खिलाफ काम करे, ये सरकार चाह रही है। क्योंकि इतना कहने के बाद भी यदि सरकार सुनने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं, हमने कहा था कि एनवीडीए का बड़ा अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, सक्षम अधिकारी होना चाहिए, जिसको हम अपनी कमी, अपनी सुविधा के लिए, अपने हक के लिए बता सके। क्योंकि ये एसडीएम वगैरह को पावर नहीं है पूरी करने की, तो एनवीडीए का डायरेक्टर यहाँ उपस्थित होना चाहिए। 3-4 दिन पहले कहने के बाद भी न एनवीडीए का अधिकारी आया और न प्रशासन के अधिकारी। इस तरीके से प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन जनता को इग्नोर कर रहा है और जनता को ये कहना चाह रहा है कि तुम उग्र आंदोलन करो। ये यदि उग्र आंदोलन होगा, ये पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी, उनकी गलती के, नालायकी के कारण होगा। अपनी बात आगे आपका क्या आगे हमारा ये है कि संभवतः आज मीटिंग होगी, उसमें तय हो जाएगा आगे क्या करना है, और संभवतः बुधवार से चक्का जाम और धरना आंदोलन, बुधवार से धरना आंदोलन हमारा रहेगा। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।